टेंडर कंट्रोल पोर्टल के माध्यम से कैशियर चेक कर सकते हैं कि कितने टेंडर अभी उनके ओपन और बैलेंसिंग प्रोग्रेस की स्टेटस में है। आप यहां देख सकते हैं कि दो टेंडर हमारे बैलेंसिंग प्रोग्रेस और ओपन है। ओपन वाला टेंडर 19/12/19 का जो कि आज की डेट है, इसलिए अभी ये ओपन है। आज हमने जो पैसा लिया है वो NEFT के माध्यम से एक लिया है, चेक के माध्यम से दो पेमेंट लिए हैं, दोनों का टोटल आपको शो हो रहा है। एक टेंडर कंट्रोल का स्टेटस ओपन, बैलेंस्ड और बैलेंस इन प्रोग्रेस हो सकता है। बैलेंस इन प्रोग्रेस का मतलब है कि आप फिजिकल कैश चेक DD को ऑनलाइन कैश चेक DD से मैच करने की प्रोसेस कर रहे हैं। बैलेंस इन प्रोग्रेस का स्टेटस सेलेक्ट करने के लिए आपको चाहिए कि आप टेंडर टोटल अमाउंट को एंडिंग बैलेंस के बराबर फीड करें। तो हम सबसे पहले टेंडर टोटल अमाउंट को एंडिंग बैलेंस के बराबर फीड करते हैं। अगर इसमें एक भी रुपया इधर से उधर होता है, कम या ज़्यादा होता है, तो आपका बैलेंसिंग इन प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। तो हमने जितना अमाउंट हमने टेंडर टोटल अमाउंट में है, वही अमाउंट हमने एंडिंग बैलेंस में डालकर बैलेंस इन प्रोग्रेस को सिलेक्ट करने के बाद सेव बटन पर क्लिक किया। अब ये बैलेंस इन प्रोग्रेस आपका ये टेंडर हो चुका है। अब फिर से देखते हैं, इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। देखिए, दोनों टेंडर्स का अब स्टेटस बैलेंसिंग प्रोग्रेस आ रहा है। अब हमें इस टेंडर को बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब ये है, फिजिकल कैश ऑनलाइन कैश चेक DD में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। अगर हम टेंडर कंट्रोल स्टेटस से बैलेंस सेलेक्ट करेंगे तो एरर मैसेज आएगा। इसे बैलेंस करने का ये तरीका नहीं है, आपको सिंपल बैलेंस बटन पर क्लिक करना है। बैलेंस बटन पर क्लिक करते ही आपका टेंडर कंट्रोल बैलेंस हो जाएगा। टेंडर कंट्रोल बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी है कि बिना टेंडर कंट्रोल बैलेंस किए आप डिपॉजिट कंट्रोल को बैलेंस नहीं कर सकते हैं। तो सभी कैशियर से अनुरोध है कि अपना टेंडर कंट्रोल समय समय पर डेली बैलेंस करते रहें। थैंक यू।